नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। हम सभी जानते हैं कि कमांडर अभिनंदन शुक्रवार रात अपने देश वापस लौट आए हैं और हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी सारी कहानी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने बाघा बॉर्डर के रास्ते में भारत की सरजमी पर कदम रखा है। अभिनंदन को पाकिस्तान ने अटारी बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को शुक्रवार रात करीब 9:15 पर भारत को सौंप दिया है। इस दौरान अभिनंदन के चेहरे पर तेज गंभीरता भी है। भारत की सरजमी पर कदम रखते ही वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा, देश लौटना सुखद अनुभव है। बाघा बॉर्डर पर स्वागत करने पहुंचे एक अधिकारी ने अभिनंदन की पहली प्रतिक्रिया के बारे में बताया। वही भारतीय वायुसेना ने अभिनंदन की वापसी पर खुशी भी जताई है। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अभिनंदन को सबसे पहले मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। 3 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने के कारण वह कुछ तनाव में भी है। विमान से गिरने के कारण उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। कपूर जी ने यह भी बताया, हम अभिनंदन की वापसी से बेहद खुश हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। अभिनंदन की वतन वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। वतन वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को आपके अदम्य साहस पर गर्व है। PM ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए हमारी सेना एक प्रेरणा है। अभिनंदन को उस समय पाकिस्तान में पकड़ लिया गया जब हवाई संघर्ष के दौरान उनका मिंग 21 विमान क्रैश हो गया था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पर यह लिखा है। रिहाई से पहले अभिनंदन के बयान की रिकॉर्डिंग, जी हाँ, आइए जानते हैं। पाकिस्तान वायुसेना ने अभिनंदन को सौंपे जाने का वक्त 2 बार बदला था। देरी इसलिए भी हुई क्योंकि रिहाई से पहले अभिनंदन के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। पाकिस्तान विमान की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान अभिनंदन का जेट पाकिस्तान सीमा में क्रैश हो गया था। भारत ने बिना शर्त और सुरक्षित अभिनंदन की वापसी की मांग भी की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में गुरुवार को ऐलान भी किया था कि विंग कमांडर को भारत को सौंपा जाए। पाकिस्तान ने 3 बार बढ़ाया भारत भेजने का समय। जी हाँ, पहले 12 बजे, फिर शाम 4 बजे और फिर 6:30 बजे छोड़ने की बात कही गई, लेकिन छोड़ा 9:20 पर। कारण कागजी कार्रवाई बताया गया है। एक और झूठा वीडियो जिसमें 16 से ज्यादा कट है। जी हाँ, पाकिस्तान सेना ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वे पाकिस्तान सेना की तारीफ करते दिखाए गए हैं, जिसमें अभिनंदन ये बोलते दिखते हैं कि भारतीय मीडिया हर बात को मिर्च मसाला लगाकर बताती है। हम आपको बता दें कि इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। मीडिया के आगे भारत शब्द अलग से छोड़ा गया है। ये वीडियो आप साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में 16 से ज्यादा कट लगाए गए हैं। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और आगे की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं। अब हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, उसे आप अपने फोन पर इंस्टॉल करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।